दोस्तों आज है हम मौजूद श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के आगे में। ये रंगशाली पीताम्बर पीठ धाम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है। और जैसा कि प्रणामी मंदिर है तो आप सबको पता होगा कि देखिए भाई, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर जहाँ पर होता है वहाँ पर जन्माष्टमी जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और अभी फिलहाल जन्माष्टमी के लिए एक दिन दो दिन, मतलब कल का दिन यहाँ पर जन्माष्टमी मनने वाला है, उसके बाद नंदोत्सव मनने वाला है। लेकिन आज का दिन कुछ ज़्यादा ही खास है। क्यों खास है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, जादव मौलाई पायेंग, मतलब जिन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो यहाँ पर आने वाले हैं और पेड़ यहाँ पर लगाने वाले हैं, वृक्षारोपण करने वाले हैं। अब आप पूछोगे कि जादव मौलाई पायेंग कौन है भाई? बहुत सारे लोग जानते हैं उनको, वो पूरे विश्व में फेमस है। उन्हें जो है ना वो भारत में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और अभी फ़िलहाल के लिए वो क्या कर रहे हैं, देखिए भाई, जो नॉर्थ अमेरिका का एक स्टेट है, कंट्री है, जिसे हम लोग कहते हैं मेक्सिको, मेक्सिको में वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर 7 बिलियन ट्रीज लगाने का उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो वहाँ पर वो जाने वाले, तो आज यहाँ पर वो आएंगे। मैं आपके साथ उनकी बात भी करवाने की कोशिश करूँगा और साथ साथ देखेंगे कि और क्या क्या होता है यहाँ पर। तो जो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है वो हमारे सामने आ चुके हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, वो गाड़ी से उतर करके सबसे पहले मंदिर की ओर, मंदिर में जा करके वो दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा मेन मंदिर है पीताम्बर पीठ धाम, वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर दो मंदिर है, तो ये पहला मंदिर, यहाँ पर वो प्रवेश कर चुके हैं, अंदर जा चुके हैं। चलिए हम भी चलते हैं अंदर। जैसा कि हमें सबको पता है कि वो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, तो आज यहाँ पर भी वो सबसे पहले एक वृक्षारोपण करने वाले हैं यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में। उसके बाद फिर जो हमारा पीताम्बर पीठ धाम है वहाँ पर भी जाकर के वृक्षारोपण होने वाला है। अभी यहाँ से दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं जो पीताम्बर पीठ धाम है, मेन मंदिर, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर भी वृक्षारोपण होने वाला है। चलिए मैं आप सब आपको सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो दिखाता रहूँगा इस ब्लॉग के माध्यम से, और आप देखते रहिए। और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो भाई, अगर हरा भरा संसार है तो सब कुछ है, तो अपने जो जगह है उसको हरा भरा बनाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ को बचाइए। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been. तो अब हम लोग पीताम्बर पीठ धाम जो है उसके जो प्रांगण है उसके अंदर आ चुके हैं, और जो भी कार्यक्रम होने वाला है अभी आगे यहीं पर होने वाला है। यहाँ पर देखिए पेड़ पौधों के लिए पूरा जगह बना करके रखा हुआ है, गड्ढे वगैरह खोल करके रेडी है। देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये सब रेडी करके रखा हुआ है। अब मंदिर की ओर सब लोग देखिए, यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी हैं और जितने लोग हैं सब लोग हैं, सब लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। मंदिर में जा कर के भगवान का दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, और उन्होंने वृक्षारोपण तो कर ही दिया है,
उस वृक्ष को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। अगर वो रहते तो जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा जंगल खड़ा किया, इसको भी बचा ही लेते, लेकिन यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। যেহেতু মই কাম কৰিম ধর্ম রাজনীতি অর্থনীতি আমি একাধিক প্রতিনিধিত্ব সেইদরে রাজনীতি অর্থনীতি মই প্রতি কাম কৰিছো। মই বৰ বিশেষ কথা নকওঁ, দায়িত্ব আছিল। আজিৰ পৰা 4-5 মাহ আগতে মই গুৰুজীক কথা দিছিলো, মন্ত্ৰী কৰ্তৃপক্ষক কথা দিছিলো যে অৰণ্য মানৱ তাত কাম কবলে গেলে আপোনাৰ বিহালী ৰাজ্যত বহুত সজাগতা আছে, কাৰণ সাধুমূলকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহো সাধিত কেনেকৈ সংৰক্ষণ গাঁৱৰ মানুহে আছে, যিহেতু গাঁৱৰ মানুহে যদি সংৰক্ষণ গাঁৱৰ মানুহৰ অৰ্থ সামাজিকৰ কথা বনানীখনৰ পৰা ধৰি যিমানবিলাক আছে সেই হাতীখনৰ পৰাই পাব, আনে সেইটো সহায় কৰিব নোৱাৰিব। तो दोस्तों देखिए हमारे साथ में कौन है, इनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहला एक मैं इनसे कुछ दो सवाल पूछूंगा, अपने अमर नतुन को प्रोग्राम को जुना है यंत्र कारण की मैसेज दिखो भी सारे आगोटे की कोई सी जितिया नवासन लोग और जनों की की है कि आगो केक करें सी क्या केक और बुंदी ऐसो ऐसो का बोस्टु को लेगो जीव बंदूक बनो भी मातीबो अमंतों जो ऐसो का कोई पुलिस वेरी वेरी ग्रेट मैसेज। तो भाई आप लोगों ने सुना ना, बर्थडे में केक मत काटो और उसके जगह में जो है ना एक पेड़ लगा लो, ठीक है ना। और वो हमारे बिहारी प्रत्येक जिहिंगपात गुटेखी चाहा है আমিয়ে ধ্বংস কৰিছো, হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত হৈছে। কিয় হৈছে? হাতী থকা তাত কোন আছে? এতিয়া মানুহৰ নাখায় কি আৰু আমাৰ কি হৈছে? ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মৰমতে চিপ খাবলৈ বান্দৰ শিকালে, নামে দেখিছোঁ, নামে চিপটো নিলে বান্দৰে 100 দি দিয়ে। মানুহে কোৱা তাহাঁতে কোৱা ফল মূলৰ বস্তুকেইটা একো খাব, এতিয়া মানে মেইন কথাটো হ'ল তাহাঁতে কি খাই আগতে জীয়াই আছে সেই বস্তু খোৱা বস্তুটো ৰৈ দিব লাগে, ৰৈ দিব লাগে। So this is the message for you from the forest man of India. भाई forest man of India ने क्या कहा आप लोग सबने सुना होगा, इसको follow कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका जो भी problem है सब problem solve हो जाएंगे भाई। Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद अपना। तो दोस्तों जो forest man of India है वो निकल चुके हैं और हम लोग भी निकलते हैं साथ साथ। देखो भाई सब reporters भी जा रहे हैं अब, क्योंकि सबका काम खत्म हो गया, सबका काम खत्म, अपना भी काम खत्म। तो भाई बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।